थोड़ा और जगह लीजिए ना, थोड़ा जगह जगह लीजिए। एडवोकेट साहब, क्या कार्रवाई आज हुई है, क्या बात हुई है और क्या आदेश पारित हुआ है? देखिए, कल की तिथि में जो है हमें आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने का आज जो है तारीख मिला था। आज हमने अपनी आपत्ति पत्र जो है चलानी, जो रिपोर्ट होती है आरसी प्रपत्र 20, इस पर हमने अपनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर दिया। और साथ ही साथ हमने जो कल जो स्थलीय निरीक्षण हुआ था, उस निरीक्षण के बयान और उसके जिरह के लिए एक आवेदन पत्र दिया। और साथ ही साथ अपने एक साक्ष्यों की लिस्ट दिया उन्हें कि महोदय हमारा साक्ष्य उस पर हो, ताकि इसका विधि सम्मत रूप से निस्तारण हो सके। सुबह 10 बजे से लेकर के हम शाम 4 बजे तक यहाँ बैठे रहे, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। मतलब है कि तहसीलदार महोदय यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद तहसीलदार महोदय को खोजते खोजते हम गेस्ट हाउस पर गए और वहाँ उनसे जो है पत्रावली विजय कुमार यादव जी थे और मंत्री जो है रामभुवाल यादव जी आए, तब जाके हमारा आपत्ति पत्र वगैरह जो है इंडोर्स हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो है आज बैठक होगी और वहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन न्यायालय में जो है शाम 5 बजे तक हम बैठे रहे और किसी प्रकार की कोई सुनवाई और न्यायालय नहीं चला। उसके बाद गेस्ट हाउस में अभी हम आ रहे हैं, गेस्ट हाउस से लगभग अभी 6:30 बज रहे हैं और इस समय उन्होंने जो है उस पर फर्दकामी आदेश लेकर के आदेशार सुरक्षित किया है। मैंने हमारी बातों को जो है उन्होंने इग्नोर किया है और न ही हमें साक्ष्य का अवसर दिया और न ही उस रिपोर्ट पर बयान और उस पर जो है जिरह का अवसर प्रदान किया गया है। ये नियम संगत नहीं है और इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा अब ये आदेश के लिए सुरक्षित है और अगली स्टेप देखेंगे कि कल कौन सा आदेश पारित होता है। इसके आगे आप कहाँ, अगला स्टेप आपका क्या होगा? आदेश यदि फेवर में आता है तो बेस्ट है और यदि फेवरेबल नहीं होता है तो हम इसके ऊपर अपील जाएंगे और आगे की प्रोसीडिंग जो होगी वो नियम संगत होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको रिसीव नहीं किया गया? डॉक्यूमेंट अब जाके रिसीव हुआ है, पत्रावली में लग चुकी है। अब हमारी पत्रावली में जो आपत्ति है, जो हमने आवेदन दिया है कि साक्ष्य व जिरह होना चाहिए और साथ ही साथ जो है हमने एक अपने साक्ष्यों की लिस्ट दिया है, उसको उनको जो है सुनना चाहिए और उस पर हमें अवसर मिलना चाहिए। प्राइवेट है कि या सरकारी है जो बताया जा रहा है? देखिए, उनकी रिपोर्ट बताती है प्राइवेट है, लेकिन जब स्थलीय निरीक्षण जो हुआ है अगर वो नियम संगत नहीं है तो वहाँ पर दुविधा होती है। फसल कटने के बाद ही अगर स्थलीय निरीक्षण होता तो ये जो दिखा रहे हैं फीडबुक में अपना, उससे बिल्कुल विपरीत होता। हमने फीडबुक पर आपत्ति के लिए अवसर मांगा है, अब वो आदेशार सुरक्षित किए हैं, उसमें देखते हैं वो देते हैं या नहीं देते हैं। कोई किताब आपके द्वारा ले जाके उनको कुछ बताया गया है? हाँ, मेरे द्वारा जो है 3-4 कानून उनको दिया गया है, जो है आरडी जो होती है हमारे यहाँ रेवेन्यू डाइजेस्ट, उसमें से कई सारे रूलिंग्स दिए हैं कि जो आप स्थलीय निरीक्षण करते हैं वो कम से कम 2 सिवानी पत्रों के जरिए होना चाहिए और यदि चलानी रिपोर्ट जो है भ्रामक स्थिति पैदा करती है तो वो रिपोर्ट खारिज होगी। इनकी चलानी रिपोर्ट जो है उसमें ये नहीं लिखा गया है कि कितने वर्षों से कब्जा है। इन्होंने जो क्षतिपूर्ति बताया है वो 5% से अधिक बताया है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको लेकर के हमने चैलेंज किया है और आदेशार सुरक्षित है। आगे देखते हैं क्या साहब जो है जजमेंट करते हैं। थोड़ा और जगह लीजिए ना, थोड़ा जगह जगह लीजिए। एडवोकेट साहब, क्या कार्रवाई आज हुई है, क्या बात हुई है और क्या आदेश पारित हुआ है? देखिए, कल की तिथि में जो है हमें आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने का आज जो है तारीख मिला था। आज हमने अपनी आपत्ति पत्र जो है चलानी, जो रिपोर्ट होती है आरसी प्रपत्र 20, इस पर हमने अपनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर दिया। और साथ ही साथ हमने जो कल जो स्थलीय निरीक्षण हुआ था, उस निरीक्षण के बयान और उसके जिरह के लिए एक आवेदन पत्र दिया। और साथ ही साथ अपने एक साक्ष्यों की लिस्ट दिया उन्हें कि महोदय हमारा साक्ष्य उस पर हो, ताकि इसका विधि सम्मत रूप से निस्तारण हो सके। सुबह 10 बजे से लेकर के हम शाम 4 बजे तक यहाँ बैठे रहे, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। मतलब है कि तहसीलदार महोदय यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद तहसीलदार महोदय को खोजते खोजते हम गेस्ट हाउस पर गए और वहाँ उनसे जो है पत्रावली विजय कुमार यादव जी थे और मंत्री जो है रामभुवाल यादव जी आए, तब जाके हमारा आपत्ति पत्र वगैरह जो है इंडोर्स हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो है आज बैठक होगी और वहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन न्यायालय में जो है शाम 5 बजे तक हम बैठे रहे और किसी प्रकार की कोई सुनवाई और न्यायालय नहीं चला। उसके बाद गेस्ट हाउस में अभी हम आ रहे हैं, गेस्ट हाउस से लगभग अभी 6:30 बज रहे हैं और इस समय उन्होंने जो है उस पर फर्दकामी आदेश लेकर के आदेशार सुरक्षित किया है। मैंने हमारी बातों को जो है उन्होंने इग्नोर किया है और न ही हमें साक्ष्य का अवसर दिया और न ही उस रिपोर्ट पर बयान और उस पर जो है जिरह का अवसर प्रदान किया गया है।
ये नियम संगत नहीं है और इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे सुरक्षित। अब ये आदेश के लिए सुरक्षित है और अगली स्टेप देखेंगे कि कल कौन सा आदेश पारित होता है। इसके आगे आप कहाँ अगला स्टेप आपका क्या होगा? आदेश यदि फेवर में आता है तो बेस्ट है और यदि फेवरेबल नहीं होता है तो हम इसके ऊपर अपील जाएंगे और आगे की प्रोसीडिंग जो होगी वो नियम संगत होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको रिसीव नहीं किया गया? डॉक्यूमेंट अब जाके रिसीव हुआ है, पत्रावली में लग चुकी है। अब हमारी पत्रावली में जो आपत्ति है, जो हमने आवेदन दिया है कि साक्ष्य वजीरा होना चाहिए और साथ ही साथ जो है हमने एक अपने साक्ष्य की लिस्ट दिया है उसको उनको जो है सुनना चाहिए और उस पर हमें अवसर मिलना चाहिए। प्राइवेट है कि सरकारी है जो बताया जा रहा है? देखिए उनकी रिपोर्ट बताती है प्राइवेट है, लेकिन जब स्थलीय निरीक्षण जो हुआ है अगर वो नियम संगत नहीं है तो वहाँ पर दुविधा होती है। फसल कटने के बाद ही अगर स्थलीय निरीक्षण होता तो ये जो दिखा रहे हैं फेडबुक में अपना उससे बिल्कुल विपरीत होता। हमने फेडबुक पर आपत्ति के लिए अवसर मांगा है, अब वो आदिशार सुरक्षित किए हैं, उसमें देखते हैं वो देते हैं या नहीं देते हैं। कोई किताब आपके द्वारा ले जाके उनको कुछ बताया गया है? हाँ, मेरे द्वारा जो है 3-4 कानून उनको दिया गया है, जो है RD जो होती है हमारे यहाँ रेवेन्यू डाइजेस्ट, उसमें से कई सारे रूलिंग्स दिए हैं कि जो आप स्थलीय निरीक्षण करते हैं वो कम से कम 2 सिवानी पत्रों के जरिए होना चाहिए और यदि चलानी रिपोर्ट जो है भ्रामक स्थिति पैदा करती है तो वो रिपोर्ट खारिज होगी। इनकी चलानी रिपोर्ट जो है उसमें ये नहीं लिखा गया है कि कितने वर्षों से कब्जा है, इन्होंने जो क्षतिपूर्ति बताया है वो 5% से अधिक बताया है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको लेकर के हमने चैलेंज किया है और आदेशार सुरक्षित है। आगे देखते हैं क्या साहब जो है जजमेंट करते हैं।